तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ एट यू लाइव। दोस्तों, आज हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में। तो मैंने आपसे कहा था कि जिससे कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी बनाते हैं हम एक्साइटेशन टेबल, और जिस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसकी हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो हम इसमें यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की बनेंगी एक्साइटेशन टेबल और टी की बनेगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो पहले बना लेते हैं टेबल। तो टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरीके से बनेगी? ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है जिसमें हम टी और क्यू एन की वैल्यू देख के क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट का पता लगाएंगे। ठीक, तो 0011 0101। ठीक, अब हमें नेक्स्ट स्टेट पता लगानी है कि इसमें क्या होगी। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जीरो पे जो रहता है क्यू एन ही हमारा आउटपुट आता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो जीरो पे जैसा ही जैसा क्यू एन वैसा ही आउटपुट आएंगे बस। वन पे क्या होता है, आउटपुट इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, आप चाहें तो इसमें अलग से ही बना सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है अलग से एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं, दोनों टेबल को कन्वर्ट कर सकते मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है दोनों टेबल एक साथ बना रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो यहाँ मैं एस की वैल्यू लिखूंगा और यहाँ मैं आर की वैल्यू। तो हम इसमें क्या करते थे, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू देख के एस और आर की वैल्यू हमें लिखनी होती है एक्साइटेशन टेबल में। ठीक, अब क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन भी जीरो है, तो एस और आर में जीरो कहाँ कहाँ पे आउटपुट आ जाता है। तो एस और आर में जब एस जीरो रहता है और आर वन रहता है तो हमारा जीरो आउटपुट आता है। ठीक, और क्यू एन आउटपुट कब आता है, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आउटपुट कब आता है, तो वो आउटपुट आता है हमारा, वो आउटपुट आता है हमारा जीरो जीरो पे। ठीक, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है, मतलब एस की वैल्यू तो दोनों में सेम है लेकिन आर की वैल्यू कुछ भी रख लो, वन या जीरो, हमें आउटपुट ये मिलने वाला है। ठीक है, तो हम एस की वैल्यू तो जीरो, आर पे डोंट केयर कंडीशन, मतलब कुछ भी जीरो आ जाए वन आ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी यहाँ पे भी आउटपुट सेम है, तो सेम है तो एक तो जीरो जीरो वैल्यू होगी तभी हमारा आउटपुट क्यू एन जो है क्यू एन प्लस वन के इक्वल आता है, और आउटपुट हमारा वन आ रहा है। तो वन कब आएगा, जब एस की वैल्यू जीरो रहेगी आर की वैल्यू जीरो रहेगी। तो यहाँ पे एस जो है डोंट केयर में है और आर जो है वो जीरो पे है। ऐसे ही आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन जीरो, और इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो वन। ठीक, इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे वन जीरो कैसे आया, यहाँ पे डोंट केयर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है वन वन जो होती है ये कंडीशन एसआर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फॉरबिडन स्टेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो वन आउटपुट आ रहा है ये कब आएगा, जब एस वन होगा और आर जीरो होगा। तो ये मैं ये लिखा, यहाँ पे जीरो कब आएगा, जब जीरो एस होगा और वन आर होगा तब यहाँ पर आउटपुट देगा। तो ये कैरेक्टर, ये टेबल आप लोगों ने बना ली, जिसमें मैंने क्या करा है एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाई है और टी की हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग लिखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, तो ये थी, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये है एक्साइटेशन टेबल। और इतनी जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो अब बनाते हैं के मैप, जिससे हम एस और आर की वैल्यू निकाल सकें। तो पहला बनाया एस के लिए बनाते हैं और ये वाला आर के लिए। ठीक, ये वाला है एस के लिए, ये वाला है आर के लिए। यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा क्यू एन, यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा क्यू एन, यहाँ जीरो वन जीरो वन। ठीक, यहाँ जीरो वन जीरो वन। एस के लिए क्या है, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे डोंट केयर, और वन जीरो पे वन। ठीक, ऐसे आर के लिए, आर के लिए आ गया ये। ठीक, यहाँ पे कोई हमारा जो है सिंगल पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो हम सिंगल सिंगल ही रखेंगे, सिंगल सिंगल रखा। तो यहाँ एस की वैल्यू क्या हो गई, टी क्यू एन नॉट, और आर की वैल्यू क्या हो गई, टी क्यू एन। ठीक है, टी क्यू एन, तो ये वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है,
हमारे पास एस आ गया है, आर आ गया है, हमने सब स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब आखिरी स्टेप पे आते हैं। आखिरी स्टेप क्या है, हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ, स्पेस मेरे पास कम है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधे एस आर फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर देंगे। तो ये रहा एस, ये रहा आर, ये रहा आउटपुट क्यू एन, और ये रहा हमारा आउटपुट क्यू एन नॉट। ठीक है, ठीक, और हमने यहाँ पे एक क्लॉक लगा ली। अब एस क्या है, टी क्यू एन नॉट के इक्वल। ठीक, तो टी और क्यू एन नॉट का यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये आया और ये हो गई एस की वैल्यू। आर क्या है, टी क्यू एन, तो टी एक यहाँ से आएगा, तो एक ये आया और क्यू एन, टी क्यू एन, तो ये हो गया। तो ये बनी हमारा सर्किट डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए गेट की लेक्चर भी डालता रहता हूँ मैं, और आपके के लिए गेट की क्वेश्चंस लाता रहता हूँ, और बीटेक से रिलेटेड भी डालता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट में लिखिए, और जितना जिसे शेयर कर सकते हैं उसे शेयर कीजिए। ठीक है।